कितनी शर्म आ रही है बताने में कि लेजेंडरी एक्टर राजकुमार साहब की पत्नी का निधन हो गया है और मीडिया में कहीं खबर तक नहीं है। जिस एक्टर ने पूरी इंडस्ट्री पर राज किया, आज उसकी पत्नी की मौत पर किसी ने एक शब्द तक नहीं कहा। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर राजकुमार की पत्नी गायत्री पंडित जी का निधन हो गया है। उनके निधन की खबर किसी को नहीं लगी। किसी भी एक्टर ने राजकुमार के परिवार का हालचाल तक जानने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि मीडिया में भी गायत्री पंडित के निधन की खबर कहीं नहीं है। गायत्री अपने बच्चों के साथ मुंबई में रहती थीं। वो लाइमलाइट से दूरी बनाकर रखती थीं। बताया जाता है कि उम्र की कॉम्प्लिकेशंस के चलते उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। साल 1996 में कैंसर की वजह से राजकुमार का निधन हो गया था। बॉलीवुड में राजकुमार की जैसी डायलॉग डिलीवरी कभी कोई दूसरा एक्टर नहीं कर सका। उनके वन लाइनर्स की बराबरी करना तो दूर, लोग उनका स्टाइल तक कॉपी नहीं कर पाए। राजकुमार ने साल 1960 में गायत्री पंडित से शादी रचाई थी। वो एंग्लो इंडियन थी। शादी से पहले उनका नाम जेनिफर पंडित था। राजकुमार की गायत्री से पहली मुलाकात एक फ्लाइट में हुई थी, जहां गायत्री एयर होस्टेस थी। राजकुमार के निधन के बाद किसी का भी ध्यान उनके परिवार की तरफ नहीं गया। राजकुमार जब तक जिंदा रहे, उन्होंने बॉलीवुड पर राज किया। जितने रौबदार वो फिल्मों में दिखते थे, इससे कहीं ज्यादा रौबदार वो रियल लाइफ में थे। एक्टर्स उनके सामने खड़े होने तक की हिम्मत नहीं करते थे। राजकुमार जब तक रहे शान से रहे, लेकिन उनके निधन के बाद उनका परिवार गुमनामी में चला गया। राजकुमार के तीन बच्चे हैं। उनके बेटे पुरु राजकुमार ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उनका करियर नहीं चल सका। वहीं राजकुमार की बेटी वास्तविकता को लेकर कहा जाता है कि वो शाहिद कपूर के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। शाहिद को पुलिस में जाकर कंप्लेंट तक करनी पड़ी थी। वास्तविकता शाहिद से 8 साल बड़ी थी। आज वो कहाँ है किसी को नहीं पता। वहीं राजकुमार के सबसे छोटे बेटे पढ़नी ने कुछ साल पहले म्यूजिक में डेब्यू किया था, लेकिन अब उनका भी कोई अता पता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, बॉलीवुड पे चर्चा।